हमजा शहबाज फिर नैब की गिरफ्तारी से बच गए। हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल तक हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस मलिक शहजाद और मिर्जा वकास पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का नैब को नोटिस, जवाब तलब। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के चंद मिनटों बाद ही हमजा शहबाज के लिए एक और मुश्किल, नैब का फिर से बुलावा। 10 अप्रैल को दिन 11 बजे तलब कर लिया, तलबी का नोटिस भी जारी। हमजा शहबाज मॉडल टाउन से हाई कोर्ट पहुंचे तो कारकुनों के जमे गफीर ने किया इस्तकबाल। नारों की गूंज, कारकुनों के बीचों बीच कमरा अदालत तक पहुंचे। अमजद परवेज एडवोकेट, आजम नजीर तारर, मलिक अहमद पर मुश्तमिल वकला की टीम भी थी हमजा शहबाज शरीफ के साथ। अदालत के अंदर भी था रश, जजेस ने रश भरने पर समाअत रोकी और फिर दोबारा समाअत की। अबूरी जमानत की खबर मिलते ही मतवालों के हमजा हमजा के नारे, शेर शेर की भी गूंज। अदालती फैसले के बाद मतवालों का जश्न, कायदीन के तस्वीर को चूमा, फूलों की पत्तियां निछावर। हमजा शहबाज भी जमानत मिलने के बाद कारकुनों के पास आए, हाथ हिलाए, विक्ट्री के निशान बनाए। अदालत से नून लीग सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुँचने पर भी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ हमजा शहबाज। हाई कोर्ट में नैब और हमजा की वकला टीम आमने सामने। अमजद परवेज एडवोकेट, आसम नसीर तारर पर मुश्तमिल वकला की टीम के हमजा के हक में दलाइल। डेप्टी डायरेक्टर चौधरी असगर समेत नैब की 8 रुकनी खसूसी टीम पेश हुई। 2 डेप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद से बुलाए गए, रिकॉर्ड भी साथ लाए। दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की। हमजा शहबाज की पेशी, खारदार तारे, बैरियर्स, अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के थे सख्त इंतजाम। 2 SPs, 6 DSPs, 10 इंस्पेक्टर समेत पुलिस एंटी राइट फोर्स के 500 से जायद अहलकार तैनात किए गए। लेडी कांस्टेबल्स भी ड्यूटी पर मामूर रही। शरीफ खानदान के कारोबार से जुड़े अहम फर्द की दुबई फरार होने की कोशिश। रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक को लाहौर एयरपोर्ट पर FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम को ऑफलोड करके नैब के हवाले कर दिया गया। मुश्ताक का नाम ECL में शामिल, नैब को 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। जराए मुश्ताक शरीफ खानदान की किसी शुगर मिल का मैनेजर है और ना ही कभी मुलाजिम रहा। तर्जुमान शरीफ खानदान। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं का मुलाकात पर इत्तेफाक। कल जाति उम्रा में मुलाकात होगी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, नैब केसेस और अपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली पर गौर होगा। जराए शहर की दीवारों पर ऊट पटांग लिखने और गंदा करने वालों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होंगे। महकमा बल्दियात ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को हुक्म जारी कर दिया। वॉल चॉकिंग के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत। दीवारों पर लगे पोस्टर्स और नफरत अंगेज जुमलों को फौरी तौर पर मिटाया जाए। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन को मुरासला, तमाम जोनों को अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। चीफ ऑफिसर महमूद मसूद तमन्ना। पंजाब यूनिवर्सिटी के क्लर्क से बदतमीजी, एपका का यूनिवर्सिटी की सड़क ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। वाइस चांसलर ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया। मुजाहरीन की नारेबाजी, कंट्रोलर पंजाब यूनिवर्सिटी को फिल फोर तब्दील करने का मुतालिबा। मैक्लोड रोड पर वासा की मेन वाटर सप्लाई लाइन फट गई। लक्ष्मी चौक, मैक्लोड रोड, एबट रोड, मंटगमरी रोड, कला गुजर सिंह समेत दीगर इलाकों को पानी की सप्लाई बंद। 8 घंटे गुजर गए, पाइप मरम्मत ना किया जा सका। शाम तक पाइप की मरम्मत कर देंगे वासा हुक्काम। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली, समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। तमाम माहीगीर कराची से लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा।
पंजाब जुडिशियल एकेडमी में सीनियर सिविल जजेस के नए तरबियती सेशन का काम। हाई कोर्ट के जस्टिस समीर भट्टी, डीजी जुडिशियल एकेडमी नजीर अहमद गजाना की तकरीब में खसूसी शिरकत। अल्लाह ताला ने हमें मुआशरे की बेहतरी की जिम्मेदारी सौंपी है, जस्टिस समीर भट्टी का तकरीब से खिताब। मन बहादुर एलिट फोर्स के मजीद 976 जवानों की ट्रेनिंग मुकम्मल। एलिट ट्रेनिंग सेंटर बेदिया में पासिंग आउट परेड। मेहमान खसूसी आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने परेड का मुआयना किया। एडिशनल आईजी आमिर मलिक, एडिशनल आईजी सीटीडी राय ताहिर, डीआईजी चूंग सेंटर मिर्जा फारान बेग और दीगर भी पुरवकार तकरीब में शरीक हुए। जवानों ने मार्शल आर्ट्स का बेहतरीन मुजाहरा भी पेश किया। वक्त के साथ जराइम पेचीदा और वसत इख्तियार करते जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमान को गिरफ्तार करके सजाएं दिलवाएं। एलिट फोर्स की नफरी को जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जाए। आईजी अमजद जावेद सलीमी का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। तशद्दुद केस, बीवी पर तशद्दुद और सर के बाल काटने वाले शोहर मियां फैसल और उसके मुलाजिम राशिद की दरख्वास्त जमानत खारिज। मॉडल टाउन कचहरी की अदालत ने हुक्म दिया। गर्मी तो शदीद हुई नहीं, लोड शेडिंग का अजाब शुरू हो गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 158 मेगावाट तक पहुंच गया। हाई लॉसेस के इलाकों में 2 से 3 घंटे बिजली की बंदिश जारी। शहर में कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही, तर्जुमान लेस्को। गंदम की खरीदारी मरकज पर सहूलियात का जायजा। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद का गंदम की खरीदारी मरकज कहना काछा का दौरा। लाउड स्पीकर पर नीलामी ना करवाने पर मार्केट कमेटी पर इजहार बरहमी। मंडी में सफाई सुथराई के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने की हदायत। रेलवे पुलिस के फंड्स में 1 करोड़ से जायद का गड़बड़ घोटाला। साबिक SP रेलवे पुलिस मलिक अतीक समेत 18 पुलिस मुलाजमीन पर मुकदमा। मुलजिमान ने जालसाजी से TADA की रकम खर्च की। सुंदर में इलेक्ट्रॉनिक अशिया बनाने वाली निजी फैक्ट्री के केमिकल गोदाम में आग की सदगी। आग ने देखते ही देखते बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की टीमों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। लाखों का नुकसान। लाहौर हाई कोर्ट में पसंद की शादी करने वाली खातून को शौहर के साथ जाने की इजाजत मिल गई। अदालती फैसले के बाद जोड़े ने कमरे अदालत से निकलते ही दौड़ लगा दी। गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना।